सपा विधायक ने थाने के अंदर बीजेपी नगर पालिका प्रत्याशी रश्मि सिंह के पति को पीट दिया। वहीं पुलिस इस दौरान बीच बचाव करती नजर आई, लेकिन सपा विधायक नहीं रुके। आपको बता दें कि पूरा घटनाक्रम अमेठी जिले के गौरीगंज कोतवाली का है। मामले को लेकर एसपी सिंह का कहना है, अचानक दोनों पक्ष आमने सामने आ गए थे। वहीं सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह का कहना है कि पहले दीपक सिंह ने थाने में आकर गाली दी, उसके बाद उन्होंने अपना आपा खो दिया। सपा विधायक का कहना है कि भाजपा प्रत्याशी के पति दीपक सिंह समर्थकों के साथ मिलकर सपा समर्थकों को पीट रहे थे, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, इसको लेकर वह धरने पर बैठे थे। इसी बीच दीपक सिंह गौरीगंज कोतवाली पहुंचे, जहां पहले से ही मौजूद सपा विधायक व उनके समर्थकों ने उन्हें पीट दिया। दीपक सिंह किसी तरह से जान बचाकर कोतवाली के अंदर भागे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24।